नमस्ते दोस्तों, उषा आकाशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, प्रदीप कुमार भैया ने पैसा दिया है 2500 रुपए, उन्होंने कहा था पितर पक्ष में दान करने के लिए। तो मैं दोस्तों, मैं ऐसे परिवार के लिए आई हूँ। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कैसे अपना परिवार चला रहा है, कितना कष्ट में है। तो दोस्तों, चलिए मैं बेटे से बात कर लेती हूँ कि कैसा इनका घर चला रहे हैं। तो बेटा, आपका क्या नाम है? भोले। भोले, तो आपके मम्मी पापा कितना दिन से हो गया खत्म है? मम्मी खत्म हुए 5 साल है, पापा बोले मतलब पर साल। पर साल, तो मतलब कुल मिला जाए 2 साल हो गया है? नहीं, एक साल। एक साल, तो एक साल से कैसे आप मतलब इतना, पाँच भाई बहन तो सब है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 5 भाई बहन हैं और एक छोटा सा लड़का कैसे अपना घर चला रहा है। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। तो कौन काम करता है बेटा तू? किराना स्टोर। किराना स्टोर में काम करते हैं। तो रोज के पैसा मिला था कि महीना के? रोज के। कितना बात है? 150। तो 150 में रोज के बात है। तो रोज अपन राशन वासन ले आवा थे खेत बा आपके? नहीं, वो रोज ड्यूटी नहीं पाओ। रोज नहीं होते नहीं, छुट्टी हो जाती तो छुट्टी रहता तो पैसा नहीं। तो आप पापा मम्मी कैसे खत्म भर हैं बेटा? मम्मी तबीयत से नहीं रहा, दवाई करा ले जाता है शाम के, खत्म हो गया रास्ते में। और पापा? पापा के दोस्त ने मार के फेंक दिया धानी में। तो दोस्तों, उनकी मम्मी बीमार थी, बीमारी में खत्म हो गई है। और पापा बता रहे हैं कि कोई दोस्त उनका था, धान के खेत में मार डाला था। और दोस्तों, साल भरे से अपना परिवार देखिए कैसे चला रहे हैं। मतलब रोज का 150 रुपए पाते हैं और उसमें हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन बता रहे हैं छुट्टी रहता है। छुट्टी रहता तो पैसा नहीं मिलता। तो बेटा, आपके घर कौन कौन, यही घर बा और घर बहन? यही भी घर, वो बारिश में पानी भर जाता है, पानी भी। तो यही इनका घर है। तो सामान वाल बहुत कम है बेटा, वो कहाँ सामान रखे हैं? गेहूँ चावल कुछ नहीं बा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यही मतलब घर है और उसमें आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब साफ साफ दिखाई आप लोगों को पड़ रहा होगा, क्योंकि इसमें उनके पास कोई सामान नहीं है। और एक यहाँ पे बोरा टांगा हुआ है, उसी में थोड़ा बहुत जो रखे हुए होंगे। तो बेटिया, आपका क्या नाम बा है? पूजा। पूजा, तो खाना आप ही बनाओ थी? तो इसमें कौन कौन राशन बा आपके पास? सब कुछ बा है। तो रोज को रोज ले आवत हैं कि महीना खरीद के रख लेते हैं? रोज रोज। तो दोस्तों, वही 150 रुपए जो पाते हैं वही रोज लाते हैं, रोज रोज मतलब बन जाता है। इसलिए इनके पास आप लोग देख सकते हैं मड़ई में कुछ भी नहीं है। और सुबह शाम दोनों समय मतलब खरीदते हैं तब बनाते हैं। बेटा, आप लोग पढ़ने जाते हो? आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो? तू सब पढ़ा? तो दोस्तों, जिसके पास आप लोग समझ सकते हैं खाने के लिए नहीं है, मम्मी पापा दोनों नहीं है, तो कैसे बच्चे लोग पढ़ेंगे। और आप लोग के पास नया कपड़ा बा है बेटा? नहीं, कपड़ा कुछ नहीं। कपड़ा नहीं बा? कम होने के पैसे भी लेते हैं, कपड़ा नहीं। तो आपके हाथ में क्या है बेटा, दिखाओ थोड़ा सा। तो बेटा, आपके हाथ में क्या हुआ है? खुजली। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों हाथ में खुजली हुआ है और कम से कम 5-6 महीने से हुआ है। दवा के लिए पैसा नहीं है। और कपड़े भी आप लोग देख सकते हैं कितना फटा हुआ पहने हुए हैं। और काफी दोस्तों बड़ी भी हो गई है, छोटे बच्चे के लिए इनको भी हो गया है दोनों हाथ में। दोस्तों, खाने के लिए पैसा नहीं है तो दवा कैसे करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। तो पूजा दोगे को मदद करने वाला बाहर, जैसे कि नानी घर, यहाँ अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि कुछ खाना वाना की व्यवस्था कुछ करा था? नहीं। कपड़ा उड़ना क्यों ना है? क्यों ना करते हैं? तो दोस्तों, कोई मदद करने वाला नहीं है, जो भी मतलब मदद करेंगे आप ही लोग करेंगे। इसलिए मैं इन लोगों के परिवार के लोग दोस्तों आई हूँ और बहुत आशा लेकर कि आप लोग उनका मदद करेंगे। तो कई साल का है बेटा आप? 14। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं 14 साल का लड़का है और सारा दिन मतलब मेहनत करता है दोस्तों। तो 150 रुपए पाता है तो इसीलिए खाली खाने के लिए लाते हैं। तो वही उनकी बहन है, बनाती है, कुल लोग मतलब 4-5 लोग मिलकर खाते हैं। बस इतना ही चल रहा है घर का जो भी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दवा नहीं कर पा रहे हैं, ना कपड़ा नहीं ले पा रहे हैं, नए कपड़े भी नहीं। और घर तो दोस्तों देखिए यही है। तो पूजा, इनके सब एक मम्मी पापा के याद करते हैं? रोवत हैं, तकलीफ करे बीमार उमार होते हैं खाना पीने के लिए?
तो दोस्तों देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और बता रहे हैं कि मम्मी पापा की याद करके बहुत रोते हैं और बीमार भी रहते हैं तब भी रोते हैं और खाने पीने के लिए, तो मत रो बेटा, मतलब आप बहुत बड़ा हिम्मत वाला हैं, जैसे आपका नाम बा है वैसे आप हिम्मत करके इतना बड़ा परिवार चलावते हैं। दोस्तों बड़ी बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हिम्मती लड़का है जो दिन भर काम करके लाता है, अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को पेट भर रहा है। मतलब भैया मतलब आपको बहुत मदद हो जाए। पूजा मम्मी बड़ा मम्मी पापा से बढ़ के तो जानते हो दुनिया में क्यों ना आए, पर मदद करे वाले बहुत लोग हैं। मतलब पूजा आज खाना बना रहे हैं बेटा? मम्मी मम्मी खाना बना रहे हैं, दीदी खाना बना रहे हैं, क्या बनाए हैं? सब्जी और भात। खाना खाया हो? खाना खाया है? तो प्रदीप भैया ने दोस्तों देखिए 2500 रुपए दिए हैं, तो मैं इनको दे दे रही हूँ, और थोड़ी सी इनका दवा बहुत जरूरी है दोस्तों। खाना पीना तो आप लोग समझ सकते हैं कैसा इनका चल रहा है, मैंने बताया अच्छे से आप लोगों को। तो ये बेटा आप पैसा ले लें और इनका दवा कर दें। तो दोस्तों मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन लोगों को थोड़ा सा खाने पीने के लिए अच्छे से व्यवस्था आप लोग कर दीजिए, और कपड़ा ओढ़ना कम से कम अच्छे से पहन पाए और अच्छे से खा पाए, अपने झोपड़े में अच्छे से रह पाए खुशी खुशी से। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जिनके पास मम्मी पापा नहीं है वो उनके पास हम समझ सकते हैं कि कोई मतलब खुशी का कोई भी माहौल नहीं है, बस पेट भर जाए इतना ही बहुत है। तो आप लोग इनका मदद करिएगा ज़रूर। हम दोस्तों फिर इनके पास आना चाहते हैं, मुझे आकर दोस्तों यहाँ पे बहुत तकलीफ हुआ है, बच्चे लोग देखिए करें घर भी रहने नहीं है, बारिश होता चूने लगते हैं भर जाते हैं सुबह भी जगह तक नहीं। आप लोग सभी लोग हमारी मदद करें, घर भी रहने नहीं है, घर पानी बारिश होता चूने लगता है, सोने भी जगह नहीं है, एक खटिया 5-5 दिन 4 दिन सोते हैं, पोई भी छोड़ते हैं नहीं है, मतलब बेटा घर भी मिल जाए सही होगा। तो दोस्तों यही कह रहे हैं बेटा कि घर भी हमारे पास नहीं है सोने के लिए, एक चारपाई है इस पर हम लोग चारों पांचों लोग सोते हैं, और लोग भूई सोते हैं वही बता रहे हैं कितना कष्ट है। तो जैसे हो सके दोस्तों दो चार लोग मिलकर इनका थोड़ा सा हेल्प करिएगा, मुझे दिल से मैं आप लोगों को कह रही हूँ। तो आप लोग चलते हुए देख सकते हैं कि इनके घर में क्या क्या है, तो थोड़ा सा दिखाओगे? तो ये खाना बना के रखे हैं, देखिए चावल और रूम में दाल सब्जी सब्जी। ये झोला में राशन रखा थे ना? राशन से कपड़ा भी रखे। ये भी टूट गया है, ये भी टूट गया। तो यही मडेर बड़ेर दोस्तों जिसे बड़ेर कहते हैं, यही देखिए यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ पे दो थून लगा कर खड़ा किए हैं। तो दोस्तों आप लोग बाहर से इनका घर देख लीजिए, अंदर से आप लोग कपड़ा और खाने की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद हमारे पास अगर आप लोगों का पैसा बचा रहेगा तो मैं इनके ऊपर पत्रा रख दूंगी, कम से कम चूहेगा नहीं। तो जैसे आप लोग मदद करेंगे वैसा मैं इनका हेल्प कर दूंगी। चल रहे हैं बेटा अब? अरे खुश रहे, खुश रहे भैया, ठीक है बेटा हम फिर आएंगे ना। चलिए दीदी खाना मदद भी करनी है, ठीक है बेटा? वही दोस्तों कह रहे हैं कि हमारा मदद करिएगा, बार बार कह रहे हैं, तो आप लोग मदद जरूर करिएगा, मैं हम आएंगे। तो ठीक है बेटा आप लोग घर पे रहिएगा ना। तो दोस्तों हम चल रहे हैं।